सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, सभी को जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपको बताएं कि श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया, जो कि हरियाली तीज के नाम से भारतवर्ष में पूर्ण रूपेण से सभी जनमानस को इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। जी हाँ, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया जो हरियाली तीज के नाम से जानी जाती है, इस हरियाली तीज पर केवल जो भी स्त्रियाँ करती हैं इस व्रत को और जो नहीं भी करती हैं, वह सभी केवल इन तीन बातों को छोड़ दें तो उनके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल रहेगा, उनके जीवन में अमंगल आ ही नहीं सकता। सबसे पहली बात, अपने पति से कभी भी छल कपट ना करें। विशेष करके जब यह तीज का व्रत रखती हैं तो इस तीज के पावन व्रत पर अपने मन में अपने पति के प्रति सदैव स्नेह रखें, सदैव प्रेम रखें, मन में उनके प्रति ऐसी किसी भी तरह से कोई भी भावना का बीज ही अंकुरित न हो पावे कि उनके मन में छल और कपट आए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, परिनिंदा। जब वह व्रत रखती हैं तो व्रत का ये विधान होता है कि पूर्ण रूपेण से पवित्र हों। पवित्रता का मतलब ये है मन, वचन और कर्म, इन तीनों के माध्यम से जब तक वह पूरी तरह से पवित्र नहीं होंगी तब तक ऊपरी स्नान कर लेने से तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, परंतु जब अंदर और विशेष करके व्रत के दिनों में किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति की निंदा मत करें, चुगली मत करें कि वह व्यक्ति ऐसा है, उस व्यक्ति ने ऐसा किया। विशेष करके इस तीज के पावन पर्व पर, क्योंकि यह व्रत विशेष करके पति के लिए होता है, क्योंकि देवी पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने का पूर्ण रूपेण वरदान श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया हरियाली तीज के दिन ही प्राप्त हुआ था, तो इस दिन परिनिंदा से बचें। तीसरा, जिस समय आपको बताएं कि देवी सीता वनों की ओर गई हैं, उस समय अनसुईया जी ने उनसे कहा था कि पुत्री, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, क्योंकि स्त्री एक कुल को पवित्र नहीं करती। आप सभी धन्य हैं जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, यही माताएं, यही बहनें किसी की पत्नी बनेंगी, किसी की माँ बनेंगी, किसी की बहन बनेंगी, और इनको अपने धर्म का पूर्ण रूपेण से निर्वाह करना भी पड़ता है और करना भी चाहिए। तो उन्होंने, अनसुईया जी ने सीता जी से कुछ बात कही थी, उन्हीं बातों को मैं आपसे भी बता रहा हूँ कि हरियाली तीज पर ये दृढ़ संकल्प ले लें कि अपने पति का अपमान नहीं करेंगी। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अंधा हो पति, बहरा हो, क्रोधी हो, दीनहीन हो, धनहीन हो, कोढ़ी हो, ऐसे भी पति का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि स्त्रियां ऐसे भी पति का अपमान करती हैं तो उनको यमलोक जाना पड़ता है। इसलिए हरियाली तीज के पावन पर्व पर आप सभी लोगों से यही मैं प्रार्थना करूंगा कि अपने पति का सदैव सम्मान करें, अपने पति के दीर्घ आयु के लिए ये हरियाली तीज का व्रत करें, कन्याएं सुंदर सुयोग्य वर को प्राप्त करने के लिए इस हरियाली तीज का व्रत करें तो उनके जीवन में भी सुंदर पति प्राप्त होगा। इसी मंगल कामना के साथ में आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत ही आपके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होता रहे, आपके पति का सदैव स्वास्थ्य मंगल में रहे, यही भगवान शिव और शिवा से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम करेंगे।
फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।